जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग टेस्ट आज हुआ उसका फुल डिटेल रिव्यू आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जो नोएडा में CISF का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, जिन किसी कैंडिडेट को भी CISF नोएडा में बुला रखा है टाइपिंग टेस्ट के लिए उनका आज मैंने रिव्यू लिया था, खुद पर्सनली उनसे बात की थी और कितना का बैच बना था, क्या क्या पूरी कार्रवाई आपकी वहाँ पर पूरे दिन में होती है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाला है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर बुलाए गए हैं, जो टाइम आपको दिया गया है टाइम के अनुसार आपको बुलाने के बाद आपको अंदर एंट्री दी जाती है, फिर आपका एडमिट कार्ड के अनुसार आपको लाइन में बिठाया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ग्रुप बनाए जाते हैं। लगभग 10 से 12 कैंडिडेट के ग्रुप यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यूँ मान के चलिए तो 10-10, 12-12 कैंडिडेट के ग्रुप बनाकर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है, जो कि टाइपिंग हॉल में आपको 10 से 12 कैंडिडेट को जो टाइपिंग मटेरियल दिया जाता है, एक आपको मैटर दिया जाएगा जो आपको देख कर टाइप करना होता है, जिसमें आपका बैक स्पेस काम करता है। जैसे CRPF की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो टाइपिंग टेस्ट है तो वहाँ पर आपका CRPF में बैक स्पेस का बटन काम नहीं करता है, लेकिन CISF की टाइपिंग टेस्ट में आपका बैक स्पेस का बटन काम करता है, यानी आपका अगर कोई गलती हो जाता है तो आप वहाँ पर उसको ठीक कर सकते हो। तो इस बैक स्पेस के बटन के कारण काफ़ी सारी कैंडिडेट ने वहाँ पर और भी गलतियाँ की है, तो मैं चाहता हूँ वो गलतियाँ आप ना करें। और CISF का जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, जो बच्चे का एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, कल हो सकता है मैं उनका लाइव इंटरव्यू भी आपको दिलाऊं, और आज किसी कारणवश में उनका इंटरव्यू नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी है। तो बता रहा हूँ कि 10 से 12 कैंडिडेट के जो ग्रुप है वो 10 से 12 कैंडिडेट का ग्रुप लगभग जो बुलाया जाता है अंदर, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और जो मैटर उनको दिया गया है वो आपको देखकर टाइप करना होता है, तो थोड़ा सा समय आपका उसमें बर्बाद होता है क्योंकि आपको मैटर देखने के बाद उसको टाइप करना होता है, उसके बाद आपका जो भी इंटरव्यू का फोन आया था क्या, कोई नहीं चलने दें। तो जैसे ही आपका वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर आपका रिजल्ट तुरंत नहीं बताया जाएगा, आपको बाद में जो भी आपका लिस्ट होता है वो आपका टाइपिंग टेस्ट का लगाया जाएगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और जिनका टाइपिंग अच्छा है, जिनकी इंग्लिश की स्पीड 35 पर वर्ड मिनट है और इसका हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट है, उन बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आपका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, थोड़ा कंपटीशन की भावना आप में आ जाती है, बस एक कुछ एक बातें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे वहाँ पर एक गलती करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका कीबोर्ड माउस और जो आपका कंप्यूटर है उसको अच्छे से टेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कीबोर्ड की बहुत सारी आवाज़ें वहाँ पर होती है जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा, तो आपको जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट में जाना है, और बहुत अच्छा टाइपिंग CISF का यहाँ पर हो रहा है नोएडा में, और जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस था छोटा ग्रुप बना रहे हैं, 10 से 12 बच्चों का ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, और लगभग जो अगर टाइपिंग टेस्ट का जो लेवल है यानी हार्ड या इजी की बात करें तो जो एक्सपीरियंस उनका रहा है उनके मुताबिक थोड़ा सा इजी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी यहाँ पर बाहर आए थे जिनसे मैंने बात की थी। तो अगला जो कल के दिन का जो रिव्यू है वो भी मैं आपको दूंगा, तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपका भी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का टाइपिंग टेस्ट बाकी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।